भगवान ने कहा तेरे जैसे राक्षस का उद्धार करने के लिए हमने पुरुषोत्तम मास बनाया है। हिरण्यकश्यप का उद्धार देवता पुष्प बरसाकर जय जयकार किए हैं। भगवान बैठे सिंहासन पर, देवता भयभीत हैं, लक्ष्मी जी की हिम्मत नहीं, प्रहलाद जी को भेजा गया। भगवान प्रहलाद जी को देखकर मुस्कुराने लगे। प्रहलाद जी संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं, आइए दो मिनट के लिए हम लोग भी प्रहलाद जी के साथ संकीर्तन में सम्मिलित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रहलाद जी संकीर्तन की मस्ती में मस्त होकर चल पड़े। प्रभु देखे मेरा बेटा आ रहा है, मेरा भक्त आ रहा है, सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। प्रहलाद चरणों में लोट पोट हुए, प्रभु उठाकर गले से लगा लिए। है बेटा प्रहलाद, अरे भाई थोड़ा सा दे बताओ, आप लोग थोड़ा थोड़ा जगह बना लो, काफी लोगों को पीछे दिक्कत हो रही है, थोड़ा थोड़ा जगह बना लो। कई लोग खड़े हैं, जिनको जहां जगह मिले आराम से बैठते जाओ। चलिए अच्छी बात है, आप लोगों का यही तो उत्साह बार बार खींच के लाता है। कितने वर्षों से यहां कथा चल रही है लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं, ये प्रसन्नता की बात है। आप लोगों का स्नेह प्यार ही तो ऊर्जा देता है। भगवान अपने भक्त प्रहलाद को उठाकर गले से लगा लिए, गोद पर बैठाए। बेटा आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा कर दे। प्रभु आप कैसी बात करते हैं, विलंब आपसे नहीं, विलंब तो मुझसे हुआ है। मुझसे कुछ मांग लो, एक वरदान दे दीजिए। क्या जीवन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो? क्यों, आपसे मांग लिया तो हमारा आपका संबंध कैसा? भगवान ने कहा तथास्तु, कोई इच्छा तो होगी। बोले हाँ एक इच्छा है, हमारे पिता नरक न जाएं। बेटा आपकी 21 पीढ़ी वैकुंठ जाएगी, जो इस प्रसंग का रसपान करेंगे उन पर भी मैं अनुग्रह करूंगा, कृपा करूंगा। भगवान नरसिंह आप सब पर कृपा करें, आप सबका मंगल करें, कल्याण करें। ये प्रसंग मैं पिछले बार भी बताया था, आपकी जब आँख खुले तो आपके मुख का पहला वाक्य होना चाहिए भक्त प्रहलाद, उसके बाद निकले भगवान नरसिंह की जय। इस क्रम से 7 बार बोल के पृथ्वी पर पैर रख के फिर चलो, 24 घंटे कोई आपको छू नहीं सकता। लेकिन आजकल समस्या है, मोबाइल की घंटी से जागते हैं तो पहले हेलो बोलें कि पहले प्रहलाद बोलें, क्या करें? कई लोग तो मोबाइल की घंटी से जगते हैं, बोले फोन न बजता जगते ही नहीं। या देवियां गरम गरम चाय का कप लेकर के आ जाएं तब जगते हैं।
या कई बार देवता लोग भी चाय बना लेते हैं, कभी देवी का नंबर कभी देवता का नंबर, बोले परस्परम भाव यंता चलता है, होना चाहिए, अच्छा ये तो होना चाहिए। अब चाय के कप से जगना है तो प्रहलाद जी याद आएंगे कि गरम गरम चाय याद आएगी, इसलिए भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह का नाम। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति किए हैं, इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हुए। वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या है, आइए अष्टम स्कंद और नवम स्कंद की कथा को हम सांकेतिक रूप से दर्शन करा के फिर दसम स्कंद में आप लोगों को प्रवेश कराते हैं। वैसे इस बार प्रशांत विहार वालों को एक लाभ तो है, टाइम लेट नहीं हो रहा, इस बार शिकायत नहीं करेंगे, बहुत लेट कर दे। अच्छा यहां लोग शिकायत करते हैं, क्या करें नया आए तो रहा नहीं जाता, आने का मन पड़ता पर लेट कर देते हैं, ये बड़ी समस्या है। इस बार बड़ा आराम है, बोलो टाइम टू टाइम है, ठीक है। पर चलो कन्हैया की जैसी शिक्षा, ये भी इसका भी एक अलग आनंद है, जब श्रोता समझदार हो जाए थोड़े में सब कुछ जान लेना चाहता है, ज्यादा विस्तार की आवश्यकता उसको। देखो पहली क्लास के छात्र को ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, एमए वालों को एक शब्द बोलो समझ जाते हैं, अब ये श्रोता सही एमए क्लास वाले हो गए सब समझ जाते हैं, अब ये अलग बात है समझते कितना है। समझदारों की महाराज बड़ी सुंदर कहानी है, पर उस कहानी पर नहीं जाऊंगा। एक से एक समझदार हो, भगवान करे समझदार न बनो तो। आइए अष्टम स्कंद में चले, जहां गजेंद्रोपाख्यान का प्रसंग है, गजराज जहां सैकड़ों पत्नियां हजारों बच्चे मदान धो के चलते थे, लेकिन जब प्राण संकट में आए तो कोई भी पास, गराज पैर पकड़ा डूबने लगे तो भगवान को पुकारे, भगवान आकर ग्राह का उद्धार किया, गजराज की रक्षा। इसके बाद समुद्र मंथन का प्रसंग है, भगवान देवताओं से कहते हैं दैत्यों के साथ मित्रता करो। मंद्राचल पर्वत की मथानी बासुकी नाग के ऋषि, उस मंथन में पहले जहर निकला है, भगवान के मार्ग में पहले समस्या आती है और समस्या से विचलित हो गए तो भटक गए, समस्या से डरे नहीं तो फिर भगवान की कृपा हो। जहर निकला, भगवान शंकर को याद किया, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनो, भगवान शंकर राय कह के मुख खोले, मां कह के राम नाम की पिटारी बंद हो गया। उच्च सर्वा घोड़ा ऐरा बताती आपस में बांटते गए, भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य, लक्ष्मी जी संकल्प की थी जो मेरी ओर देखेगा भी नहीं, जो मुझसे कुछ नहीं बोलेगा मैं उसी का वर्ण करूंगी, और ऐसे थे भगवान नारायण, उनके गले में जाके माला डाल दी। लक्ष्मी की कृपा थी तो लक्ष्मी के सामने बोला मत करो, और वैसे भी घर में यदि प्रसन्नता से रहना है तो घर की लक्ष्मियों के सामने ज्यादा बोलना भी, अरे ज्यादा बोलेंगे तो समस्या तो, ज्यादा बोलते हो आके, यहां दुकान में कम बोले थे, फैक्ट्री में कम बोले थे, यहां बड़बड़ कर, यहां तो सामने बैठो, अच्छा मौन हो जाते हैं, चलो ठीक, कोई देवी इशारा करे कि हमारे देवता तो मौन हो जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, अब कौन होता है ये मेरा मतलब नहीं है, पर इशारा कहे बोले मौन, बड़े सरल है, अच्छी बात। लक्ष्मी जी वर्ण की नारायण का, धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, दैत्य इसको लेकर के भागते हैं, उसके कण चार जगह गिरे, प्रयाग हरिद्वार उज्जैन और नासिक, जहां महाकुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार का जो महाकुंभ है अब आने वाला है 2 साल बाद, हरिद्वार का महाकुंभ माया का है, प्रयाग का महाकुंभ भक्ति का है, उज्जैन का महाकुंभ ज्ञान का है, और नासिक का महाकुंभ मोक्ष का है। श्रोताओं जब आप लोग यहां जाया करो तो मोक्ष के 8 मार्ग हैं, कभी नासिक के कुंभ में जाने का अवसर मिले तो 8 मार्ग कौन कौन से पहले गुरुदेव से पूछो, एक मार्ग का भी बोध हो फिर आप जाओ तो कल्याण हो जाएगा। हमारी आपकी स्थिति है कि हम जा तो रहे हैं लेकिन गेट का पता नहीं है, बिल्डिंग स्पर्श की और घूम के
परिक्रमा कियो चले आए। किसी भी कुंभ में जाओ माया के 11 द्वार है, सबका अलग अलग लक्षण है महाराज। जाओ संतों के पास बैठो, पूछो। खाली घड़ा एक बांध लिए उस पर और लेके चल पड़े, हो गया कुंभ। तो ऐसा कुंभ, तो प्रयाग के कुंभ में एक बार हमने एक संत जी से निवेदन किया, हमने कहा ये जो घड़ा बांध के ढोल रहे हो महाराज कुंभ कुंभ की बात, इसका मतलब क्या बताओ ना। बोले अमृत की बूंद। तो हमने कहा अमृत जो पीता अमर हो जाता है, या जितने कुंभ में आए कोई नहीं मरेंगे, और उनकी छोड़ो आप अमर हो जाओगे क्या? चुप हो गए। यथार्थ दर्शन कराओ लोगों को, पता है कलिकाल है क्या होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ उनको पहले समझाओ, फिर तब उनको बोध होगा तो कुछ तो लाभ होगा ना। अब यहां तो भीड़ वाली बात है, मेला सब जा रहे हैं, हम जा रहे, सब गए हम भी गए, क्या मतलब जाने का? जाओ तो वहां से कुछ लेके आओ। भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए हैं, देवताओं को अमृत, दैत्यों को वारुणी, सूर्य चंद्र के मध्य बैठा था राहु। राहु जो अमृत पान किया, सूर्य चंद्र संकेत किए प्रभु राक्षस है, वहीं भगवान चक्र से गर्दन अलग कर दिए, उसके मुख में अमृत की बूंद चली गई थी, गर्दन लटक गई, तो उसकी लार से, लार समझते हो ना, मुख से जो निकलता है, उससे अमृत की बूंद गिरी नीचे, उसी से उत्पत्ति हुई लहसुन और प्याज की। तब देवता श्रापित कर दिए कि आज के बाद जो लहसुन प्याज का सेवन करेगा वो भगवान की भक्ति से वंचित रह जाएगा। पहले ब्राह्मणों के यहां वैश्य परिवार में महाराज, अग्रवाल फैमिली में देखा हूं पहले, आज से 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूं, कई परिवार, शहर का नाम नहीं लूंगा, अब विश्वास न तो बता दूंगा, वहां लहसुन प्याज का दर्शन नहीं होता था। अब आजकल तो बगैर उसके भोजन नहीं होता, भगवान को भी खिला देते हैं भोग लगा के, बोले तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, चलो प्याज का मसला बनाए, भगवान के सामने घंटी बजा देते हैं, भगवान को गंधौर लगती है, बेचारे तड़फड़ा जाता है, अच्छा भगत मिला हमको। अरे आप खाओ तो खाओ, भगवान को तो भोग मत लगाओ। मैं कई जगह देखा हूं लोगों को उसका भोग लगा देते। ये राहु के लार से इसकी उत्पत्ति है, इसलिए अग्राही है ये, भक्ति मार्ग में इसके लिए कोई स्थान नहीं। और स्वाद तो 2 मिनट का ही होता है बाबा, चाहे अच्छा एक बात बताओ, मीठा के लिए अलग मार्ग होगा, नमकीन के लिए अलग मार्ग होगा कि नहीं, क्या कहिए सर? और जीवा के बाद अलग अलग कोटा रहता होगा, जब चाहे तो उसका रस निकाल के लेते रहे। एक सेकंड के स्वाद के लिए क्यों अपना जीवन नरक बना रहे हो? ये स्वाद एक पल का है बस, बाकी कुछ नहीं है। हमारे जीवन में दो ही समस्या है, स्वाद और विवाद, इसी में परेशान है बस, सारी समस्या यही है। दैत्यों को जब होश आया अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गए, विश्व विजयी रथ, देवताओं की संपत्ति छीनकर इंद्रासन के लिए यज्ञ करते हैं, देवताओं की मां आदित्य परेशान हुई, कश्यप जी के पास गए, पयोव्रत व्रत की विधि, पयोव्रत के व्रत की विधि, भगवान का प्राकट्य क्या चाहिए आपके समान पुत्र? भगवान ने कहा मेरे समान तो कोई है ही नहीं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र मध्य दिवस पर भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। देवता भगवान की स्तुति की है, कुबेर जी भिक्षा पात्र दिया, अन्नपूर्णा भिक्षा डालती हैं, बृहस्पति जी ने कहा इससे संतुष्टि नहीं, राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं वहां जाओ। भगवान यज्ञशाला में गए, 3 पद के बहाने सारी संपत्ति ले ली, तीनों लोग, एक पैर से भूमंडल, दूसरा ब्रह्मगढ़ा, तीसरा बलि के सिर पर रख दिए, अंत में सुतल लोक का राजा बनाए। और भगवान बामन को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त किया गया है, भगवान बामन का विवाह भी हुआ, ध्यान रखना, उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति, बेटे का नाम था ब्रह्मलोक और पोते का नाम था सौगंध।
यदि कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो थोड़ा इन प्रसंगों पर इनके गृहस्थ का दर्शन कर लिया करे। वेदों की रक्षा के लिए मत्स्यावतार के रूप में ये अष्टम स्कंद की कथा का सार है। आइए नौम स्कंद की कथा पांच मिनट में कह के हम सीधे आपको कन्हैया की नगरी लेके चल रहे हैं और दस मिनट में झांकी आपके सामने होगी। झांकी की तैयारी हमारे आचार्य लोग अपने व्यवस्था से कराते रहे, दस मिनट का समय लेंगे बस। नौम स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन है, जहां फरियाती की पुत्री सुकन्या अपने तपोबल से माता पिता का नाम अमर की, नाभाग ऐसे पुत्र आए जो पिता की सेवा से ऐसा प्रतापी पुत्र प्राप्त की अम्बरीश, दुर्वासा का श्राप भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान किए। गंगा अवतरण का प्रसंग है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का है। श्री राम जी की लीलाएं बड़ी निराली हैं। श्री राम जी के क्षेत्र को बस एक श्लोक में कह देता हूं, राम जी के मार्ग में चले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, वह तो बहुत लंबी समस्या है। राम जी के मार्ग में जाओ तो दो प्रवक्ता मिलते हैं, रामचरितमानस में दो प्रवक्ता हैं, दो गुरु हैं, इसलिए उस पर न जाओ। रामचरितमानस में दो की बड़ी समस्या है और राम वनगमन में ही दो हैं। राम वनगमन में जो अब शगुन हुआ है तो दो से ही हुआ है, और गंगा के तट पर भी जब राम जी आए तो दो की समस्या थी, वहां भी बड़ी समस्या थी। कौन सी, तो मैं आपको संकेत में बता दूं, एक लाइन बस बता के चलता हूं। जिस समय प्रभु श्री राम गंगा के तट पर गए, केवट से याचना की, केवट नहीं आया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये तो बड़ा उद्दंड है, आपकी अनुमति मिले तो इसको दंडित करो। राम जी मुस्कुराए, दंड देने से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। क्यों? बोले देखो भाई, किसी भी कार्य में भी एक बार अपशगुन हो जाए तो आगे फिर अपशगुन तो, अच्छा कोई कार्य में चलो और सुबह सुबह अपशगुन हो जाए तो सारा दिन तो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज कैसे? बोले प्रभु ने कहा, देखो हमारी यात्रा में अपशगुन हो गया था। कैसे हो गया? बोले पहला अपशगुन तो आप, दूसरा सीता। लक्ष्मण जी घबरा गए, बोले ये बताओ, वनगमन के लिए वरदान मेरे लिए था ना, आपको मना किया आप माने, सीता को मना किया मानी, तो दो वहां नहीं माने तो उनको तो कोई दंड नहीं मिला, और यहां दो नहीं मान रहे, दंड की बात क्यों? यहां दो कौन कौन नहीं मान रहे थे? सुमंत्र और केवट। सुमंत्र से कह रहे थे जाओ तो वो जा नहीं रहे थे, केवट से कह रहे थे आओ तो आ नहीं रहे थे। राम कथा भी महाराज बड़ा गूढ़ रहस्य। इतनी दिव्य नगरी थी सोने की लंका, लेकिन रावण जानकी जी कहां बैठा था? वाटिका में। अच्छा, आपका जिसे विशेष प्रेम हो तो उसको जंगल में बैठाओगे, घर में बैठाओगे, कहां बैठाओगे बोलो? आपके यहां मान लो कोई आपका प्रेमी आया है, सगा संबंधी कोई आपका आया है, तो आप रहोगे घर में, उसको भेज दोगे वाटिका में, जंगल में? यदि सीता से इतना प्रेम था तो बैठा है क्यों? रावण अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ऐसा कार्य किया, ये प्रसंग शायद बता चुका हूं कि नहीं, याद है ना? तो फिर नहीं बताते रहने दो, अच्छा हम बोलेंगे तो याद आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है, याद तो है पर हम बोलेंगे तब याद आएगा, ये अच्छी बात। तो चलो संकेत में इसको बता दे, जिस समय पार्वती जी असंतुष्ट हुई, ये प्रसंग जानते हो कि लंका बनवाने का निर्माण पार्वती करवाई है, दक्षिणा में दिए, तब रावण संकल्प किया मैं पार्वती जी के लिए दिव्य वाटिका बनवाऊंगा और उस वाटिका में बैठाकर फिर मैं उनको प्रसन्न करूंगा। तब करके पार्वती को लेके आ रहा था, जब पार्वती जी को लेके चला, पार्वती जी नारायण जी को पुकारे, प्रभु हमारी इच्छा नहीं जाने की, ये हठात बाध्य कर रहा। प्रभु ने कहा मैं कोई लीला करता हूं, ऐसी लीला कर दी कि रावण भ्रमित हो गया
उसको लगा कि नकली पार्वती है, छोड़ दिया। तब बाद में उसको पता लगा, अरे मेरे साथ तो छल हुआ, खेल हुआ। उस समय रावण संकल्प किया, प्रभु एक बात सुन लो, मैं ये बाटिका बनवाया था उमा को बैठाने के लिए, तो उमा को तो नहीं बैठा पाया, आप व्यवधान पैदा कर दिए, लेकिन एक दिन मैं इसमें रमा को जरूर बैठाऊंगा। इसीलिए रावण लक्ष्मी सीता को ले जाकर के वाटिका में बैठाया, अशोक वाटिका में। और जिस वाटिका में उस वृक्ष के नीचे बैठाए थे, कौन सा वृक्ष था, चलो आप लोगों की बात मान लेते हैं, वाल्मीकि रामायण में दिया है सिंसुपा वृक्ष, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। हम अशोक वाटिका का नाम बोले अशोक वृक्ष, वो तो वाटिका है अशोक वाटिका, पर चलो अच्छा है, जो जानते हो वही ठीक, जितना जानते हो उतने बहुत कि नहीं। तो राम जी की लीला बड़ी निराली, आइए श्लोक में कह के विराम दे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आदौ राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ये कथा, चलो अच्छी बात है, आज बिटिया भी दिखाई पड़ रही है हमारी, प्रसन्नता की बात। अच्छा, भगवान श्री राम ने जो कहा है वो करना है, नहीं जो किया है, और कृष्ण ने जो कहा है हमको आपको वो करना है। इसके बाद परशुराम जी का प्रसंग है। दुष्यंत शकुंतला चंद्रवंशी राजाओं में याति यदु तुर्वशु शिवि नेमि ज्यामघ इत्यादि के वंशों का वर्णन है। द्वापर कांत है, मथुरा नरेश उग्रसेन अपनी पत्नी के साथ वन में गए, द्रुमिल नाम का राक्षस उग्रसेन के रूप में आया, अपराध हुआ, बालक का जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने कहा महान राक्षस होगा, बक्षम भर के प्रवाहित कर दिए। बसदेव के पिता सूरसेन सूर्यार्घ दे रहे थे, बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, उस बालक को ले गए अपने पास, पालते पोसते हैं। जब बालक बड़ा हुआ, नारद जी आके सारा प्रसंग बताए, कंस जाकर के तपस्या किया, भगवान शिव को प्रसन्न, अमरत्व का वरदान शिव जी ने कहा संभव नहीं है, धनुष दिए, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के हाथों तू मारा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये तोड़ना वीरता है कि जोड़ना वीरता है? बहादुर तोड़ने वाले होते, जोड़ने वाले, जोड़ने वाले। तो राम जी के भी प्रसंग में धनुष तोड़ने का आया, कृष्ण के प्रसंग में क्यों आया है? अब इस क्यों का उत्तर आगे लेना। राम जी भी धनुष तोड़े कि नहीं तोड़े हैं, और कृष्ण भी, और वीरता जोड़ने में है, यह कौन सी वीरता है? इसमें भी छुपा हुआ है एक राज, पर उस राज को राज में रहने दो। देखो कुछ राज जिसके अंदर रहते हैं ना, उसी को महाराज कहते हैं। जिसके अंदर कुछ राज छुपे रह जाए उसी को महाराज कहते हैं। क्यों? महान राज छुपा के जो बैठा है अपने अंदर, वही तो महाराज है, और कौन है? हनुमंत लाल की जब जयघोष होती तो महाराज बोलते हैं, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी भगवान कोई नहीं बोलता, क्यों? एक से एक राम के राज छुपा के बैठे हैं, कभी उनसे लिया करो, एक आध दो ले लिया करो, देते भी हैं ऐसा नहीं। कंस वरदान पाकर के आया, पिता को बंदी बनाया, मां उसके अनुरूप, यज्ञ अनुष्ठान पूजन पाठ बंद, इसके उपद्रव से त्रैलोक में हाहाकार मच गया। पृथ्वी गाय का रूप बनाकर देवताओं के पास, देवता के ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा शंकर के पास भगवान की स्तुति की, भगवान प्रकट हो गए। मुझे पता है आप लोगों पर कैसा संकट आया है, लेकिन मैं पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतरित तो होऊंगा मथुरा में, पर लीला करने के लिए जाऊंगा गोकुल में,
जिसको मेरी लीला में सम्मिलित होना है, गोपी ग्वाल बाल बनकर प्रकट हो जाओ। देवता भगवान की स्तुति किए हैं, आइए हम लोग भी प्रार्थना करें कन्हैया का दर्शन हमको आपको मिले। मुरली वाले श्याम हमारे घर, हमारे घर आ जाना। मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना। मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना। मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना। प्यार आ जाना, बहुत दिनों से मिल नहीं पाई। दर्शन तेरे कर नहीं पाई, दर्शन तेरे कर नहीं पाई। व्याकुल मेरे प्राण हमारे घर आ जाना। व्याकुल मेरे प्राण हमारे घर आ जाना। कर आ जाना, अरे आ जाना। श्याम आ जाना, श्याम आ जाना। कृष्ण आ जाना, कृष्ण आ जाना। मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना। मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। लगती है प्यारे नवी नवेली, लगती है प्यारे नवी नवेली। राधा रंगीली मेरो नाम हमारे घर आ जाना। राधा रंगीली मेरो नाम हमारे घर आ जाना। प्यारे आ जाना, प्यारे आ जाना। कृष्ण आ जाना, आ जाना। श्याम आ जाना, श्याम आ जाना। मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना। मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना।
घर कुछ कमी नहीं है, मेरे घर कुछ कमी नहीं है, माखन मिश्री दूध दही है, माखन मिश्री दूध दही है, तड़पत मेरो प्राण हमारे घर आ जाना, तड़पत मेरो प्राण हमारे घर आ जाना, प्यारे आ जाना, आ जाना कृष्ण आ जाना, कृष्ण आ जाना, प्यारे आ जाना, प्यारे आ जाना, कृष्ण आ जाना, कृष्ण आ जाना। देखो श्रोताओ, या जितने विग्रह विराजमान हो, कौन कौन चाहता है कन्हैया आए, जो जो चाहते अपने अपने हाथ ऊपर करो दो मिनट के लिए, और बड़े प्यार के साथ बोलना है क्या, प्यारे आ जाना, प्यारे आ जाना, प्यारे आ जाना, प्यारे आ जाना, कृष्ण आ जाना, कृष्ण आ जाना, श्याम आ जाना, श्याम आ जाना, प्यारे आ जाना, प्यारे आ जाना, श्याम आ जाना, श्याम आ जाना, कृष्ण आ जाना, आ जाना, श्याम 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 आ जाना, प्यारे आ जाना, कन्हैया आ जाना। यदि आना नहीं था तुम्हें तो प्रभु मन मंदिर में ही समाते नहीं, मन मंदिर में ही समा जो गए तो ये दृगों को छटा दिखलाते नहीं। कन्हैया मेरे प्यारे, दृगों को छटा दिखला ही गए तो वियोग के बिंदु रुलाते नहीं, जब जाना न चाहिए था तो गए, अब आना चाहिए तो आते नहीं। जब जाना न चाहिए था तो गए, अब आना चाहिए तो आते नहीं। मेरो नटवर प्यारो नटवर, मेरो नटवर नवल किशोर, प्यारे आ जाओ माँ घन छोर, मेरो नटवर नवल किशोर, प्यारे आ जाओ माखन छोर, प्यारे आ जाओ, प्यारे आ जाओ, प्यारे आ जाओ। परीक्षित, श्री सुखदेव जी ने कहा आप गंगा जल पान तो कर लो, बोले नहीं महाराज, इन इंद्रियों के वश की भूख है की प्यास है, कृष्ण चरितामृत का रसपान करवाएं, नई साध दूषाम क्षणवाम त्यक्तो तुम विवादते पिबंतम तन मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। बस सुखदेव जी गदगद हुए, वसुदेव देव की क्या विवाह, कम प्रथमान बन के चलता है, मार्ग में आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख जिस बहन की विदाई में इतना खुश है उसका आठवा लाल तेरा काल होगा। निकाला तलवार, वसुदेव देव की प्रार्थना की नहीं माना,
वसुदेव जी ने कहा किससे भय, बच्चों से, छह बच्चों को मारता है। सातवें में त्रेता के लक्ष्मण बलराम बन के आए, योग माया को आदेश देते हैं, रोहिणी घर में स्थापित। आठवें घर में भगवान का तेज आ गया। देवकी का बड़ा विलक्षण सौंदर्य, ब्रह्मा इत्यादि की गर्भस्थिति किए हैं, यक्ष किन्नर गंधर्व सबके सब गायन करते हैं। जैसे ही हमारे प्रभु के आने का समय हुआ, अथ सर्व गुण पेता काला परम शोभना, सारे ग्रह अनुकूल, दिशाएं अनुकूल हो गई। यक्ष किन्नर गंधर्व गायन कर रहे हैं, ऋषि महर्षि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार नक्षत्र होनी, मध्य रात्रि का समय हुआ, हमारे प्रभु शत्रुघ्न रूप में प्रकट हो गए। भगवान का चतुर्भुज रूप में प्राकट्य, वसुदेव देवकी के द्वारा भगवान की स्तुति। चतुर्भुज रूप में भगवान आए थे, भगवान बाल रूप में हुए हैं, और जैसे बाल रूप में हुए, वसुदेव जी कन्हैया को लेकर गोकुल जा रहे हैं। यहां भी कृष्ण की झांकी आ रही है, बैठे बैठे आनंद लेंगे। कन्हैया को लेकर के आ रहे हैं गोकुल, कन्हैया को गोकुल में लौटाएंगे, योग माया को लेकर के जाते हैं। ब्रजवासियों को जब पता चला नंद के यहाँ लाला हुआ है, मारे खुशी के उछल पड़े, पर नंद के लाला की हो। अरे संख्या तो बहुत कम है पर आवाज बहुत ज्यादा है, क्या बात है। पर नंद के लाला की आज की आनंद महोत्सव की बधाई हो। नंदोत्सव के पवित्र पावन अवसर पर कृष्ण रसामृत सेवा समिति प्रशांत विहार के सभी भाइयों को, आए हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, लाख लाख मंगल कामना। चलो भाई, कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दिनों घोड़ा दिनों आर दिनों पालकी, हाथ दिनों घोड़ा दिनों आर दिनों पालकी, कौनन को हाथी घोड़ा कौनन को पालकी, कौनन को हाथी घोड़ा कौनन को पालकी, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। जिसको आनंद आए वही बोलना, जिसको ना आए चुप रहना।
किसकी? अच्छा अभी तो हम किसी के नाम लिए नहीं। अच्छा अपन ही जाए हो, चलो कोई बात नहीं। नंदजू के आंगन में बज रही आज बधाई, ये बधाई लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए सभी लोग। और एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था कि कंस के सेवक भी आएंगे तो अपना अपना गला सब समझ जाएंगे। चलो भाई बधाई लगाओ नंदजू के आंगन में। अरे बाबा नाच तो रहा नहीं, क्या बात है, ऐसे काम नहीं चलेगा बाबा। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। हाँ सबसे बार बधाई सबको, लाख लाख बधाई, सबसे बार बधाई सबको, लाख लाख बधाई। नंद जी के आंगन में रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया सखियों एकदम बात निराली, चमत्कार सा हो गया सखियों एकदम बात निराली, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हाँ सबसे बार बधाई सबको, लाख लाख बधाई, सौ सवार बधाई सबको, लाख लाख बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। वहां बधाई छह दिन तक चली है, किसी को थकान नहीं, और यहां गर्मी तो है ही है थोड़ा सा कि नहीं। कान में बात चली है, बात करे ब्रज बाला, कान में बात चली है, बात करे ब्रज बाला, नंद जी गोरे यशोदा गोरी लाल क्यों है काला, नंद जी गोरे यशोदा गोरी लाल क्यों है काला। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन बज रही आज बधाई। हाँ सौ सवार बधाई।
प्रभु को लाखों लाख बधाई, सौ सौ बार बधाई सबको बधाई, नंद जी के आगमन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आगमन में बज रही आज बधाई। जाने किशोरी सी मुनी ने अपना हाथ लपेटा, ना जाने किशोरी सी मुनी ने अपना हाथ लपेटा, नंद महल अनहोनी हो गई बेटी हो गई बेटा, नंद महल अनहोनी हो गई बेटी हो गई बेटा, नंद जी के आगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आगन में आज बधाई, हाँ सौ सवार बधाई सबको लाख लाख बधाई, सौ सवार बधाई सबको लाख लाख बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सत्रह गज की पगड़ी बांधो नाच रहे नंद बाबा, सत्रह गज की पगड़ी बांधे नाच रहे नंद बाबा, नंद भवन का उत्सव देख जग का मन ललचाया, नंद भवन का उत्सव देख जग का मन ललचाया, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, हाँ सौ सौ बार बधाई सबको लाख लाख बधाई, सौ सौ बार बधाई सबको लाख बार बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, हाँ नंद के आनंद भयो भैया लाल की, नंद के आनंद भयो भैया लाल की, नंद के आनंद भयो 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 आज के आनंद महोत्सव की जय हो।